देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत के सबसे बड़े शिक्षा मंथन की उसकी मेजबानी कौन करेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं और इसका करेक्ट आंसर होगा उदयपुर शहर। भारत के सबसे बड़े शिक्षा मंथन कार्यक्रम जिसका नाम है SGEF, इसकी फुल फॉर्म होती है स्कूल न्यूज ग्लोबल एजुकेटर्स फेस्ट, और इसके तीसरे संस्करण की मेजबानी झीलों के शहर के नाम से जिसको जाना जाता है उदयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा, और वो 9 और 10 अगस्त, 9 और 10 अगस्त 2019 को इसका आयोजन किया जाएगा। इसका विषय रहेगा निरंतरता के लिए शिक्षा और अनुरूपता के रचनात्मकता की ओर कदम, यानी कि एजुकेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी मूविंग ऑन फ्रॉम कन्फर्मिटी टू क्रिएटिविटी, ये इसका विषय रहेगा। तो उदयपुर क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में कोसी मेची नदी मोड़ परियोजना को मंजूरी दी है। तो देखिए, कोसी नदी यहाँ पर दे रखा है, इसलिए आप समझ गए होंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बिहार होगा। केंद्र सरकार ने बिहार में 4,900 करोड़ रुपए की परियोजना जो कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना है उसको मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश के जो केन बेतवा परियोजना है उसके बाद में स्वीकृत होने वाली देश की ये दूसरी प्रमुख नदी जोड़ परियोजना है। इस परियोजना से उत्तरी बिहार में बाढ़ को रोका जा सकेगा और बिहार में 14 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि की सिंचाई भी की जा सकेगी। केंद्र सरकार ने सिंचाई उद्देश्य के लिए कोसी के पूर्वी तट के ऊपर 20 किलोमीटर के नहर निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। तो बिहार राज्य क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ब्रिटेन के स्ट्रक्चरल अवार्ड के लिए संक्षिप्त सूची में किसे रखा गया है, ये आपको बताना है। तो देखिए, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये 182 मीटर लंबी ब्रिटेन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के स्ट्रक्चरल अवार्ड 2019 के लिए संक्षिप्त सूची में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को शामिल किया गया है। इस पुरस्कार का उद्देश्य संरचनात्मक इंजीनियरों के द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जागरूकता फैलाना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल का एक स्मारक है और इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया शहर में कब किया था, 31 अक्टूबर 2018 को इसका अनावरण किया था। यह उन 49 स्मारकों में से एक है जो कि प्रतिष्ठित पुरस्कार की होड़ में है। यह पुरस्कारों की घोषणा है वो 15 नवंबर को लंदन में आयोजित होने वाले एक समारोह में की जाएगी। तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, जापान ने हिरोशिमा के ऊपर जो बमबारी हुई थी ये उसने कौन सी वर्षगांठ मनाई है, ये आपको बताना है। तो जापान ने ये 74 नंबर की वर्षगांठ मनाई है। जापान ने हिरोशिमा की परमाणु बमबारी की 74 नंबर की वर्षगांठ 6 अगस्त 2019 को मनाई है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है, शिंजो आबे हैं। उन्होंने हिरोशिमा में पीस मेमोरियल पार्क में ये जो स्मरणोत्सव है उसका नेतृत्व किया और वहाँ के निवासियों ने 6 अगस्त 1945 को बमबारी में मारे गए लोगों की याद में मौन प्रार्थना की है, मोमबत्तियां जलाई है और पुष्पांजलि अर्पित की है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जापान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किए गए दो परमाणु हमलों, जिसमें पहला हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी, उनका सामना किया था। बम विस्फोट में हिरोशिमा में 1,40,000 लोगों की और नागासाकी में 74,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो जापान ने हिरोशिमा के ऊपर जो बमबारी हुई थी उसकी 74वीं वर्षगांठ अभी हाल ही में मनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस मंत्रालय ने विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया है। तो देखिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मनाया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय स्तनपान से संबंधित जो सुरक्षा है, प्रोत्साहन है और समर्थन के ऊपर ध्यान केंद्रित करने के साथ में विश्व स्तनपान दिवस है वो 1 से लेकर 7 अगस्त 2019 तक ये मना रहा है। ये जो सप्ताह है वो इसी महीने की 7 तारीख तक मनाया जाएगा। विश्व स्तनपान सप्ताह का उद्देश्य माता पिता के बीच में स्तनपान, इसकी शुरुआत, स्तनपान का महत्व और पर्याप्त और उचित पूरक आहार के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसका विषय भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका विषय है एम्पावर पेरेंट्स इनेबल ब्रेड फीडिंग, ये इसका विषय रहा है। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, ललित कला अकादमी ने कौन सा स्थापना दिवस
मनाया है। तो देखिए 65 नंबर का स्थापना दिवस मनाया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने नई दिल्ली में ललित कला अकादमी का 65वां स्थापना दिवस मनाया है। मंत्री ने कला शिविर और शिल्पकृति और चित्रकला जो प्रदर्शनी है उसका भी उद्घाटन किया है। एक पुस्तक जिसका नाम है मिथिला की लोक चित्रकला उसका भी विमोचन किया गया है। ललित कला अकादमी या फिर इसको राष्ट्रीय कला अकादमी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना सरकार के द्वारा देश और देश के बाहर जो भारतीय कला है उसकी समझ को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। ललित कला अकादमी छात्रवृत्ति और ऐसे फेलो कार्यक्रम प्रदान करती है जो भारत और विदेशों में प्रदर्शनियों का भी आयोजन करती है। तो अभी ललित कला अकादमी ने 65वां स्थापना दिवस मनाया है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, कांग्रेस के किस राज्यसभा सांसद ने सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं और इसका करेक्ट आंसर होगा भुवनेश्वर कलिता। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं भुवनेश्वर कलिता। उन्होंने अनुच्छेद 370 के रद्द होने पर पार्टी के रुख का विरोध करते हुए सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू या फिर भारत देश के उपराष्ट्रपति मान लो एक ही बात है, उन्होंने ये घोषणा की है कि उन्होंने श्री कलिता का इस्तीफा है वो स्वीकार कर लिया है। कश्मीर मुद्दे के ऊपर सरकार के कदम के खिलाफ पार्टी सदस्यों की व्हिप जारी करने को कहने पर श्री जो कलिता है वो कांग्रेस से नाराज चल रहे थे और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अनंत सीतलवाड़ का निधन हो गया। आपको बताना है कि ये पेशे से क्या थे। तो ये क्या थे, क्रिकेट कमेंटेटर थे। क्रिकेट कमेंटेटर अनंत सीतलवाड़ का 84 वर्ष की उम्र में मुंबई में इनका निधन हो गया है। सीतलवाड़ ने टीवी की शुरुआती दिनों में अपने रेडियो कमेंट्री की शुरुआत की थी और आकाशवाणी पर पूर्व टेस्ट सलामी बल्लेबाज और पूर्व चयन समिति के प्रमुख विजय मर्चेंट के साथ में माइक के ऊपर इन्होंने काम किया था। अंग्रेजी भाषा पर अपनी मजबूत पकड़ के साथ में आकाशवाणी पर खेल की प्रगति की तस्वीर ये उकेरते थे। तो क्रिकेटर ये क्या थे, एक कमेंटेटर थे। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, बेंगलुरु में SSAM इसकी स्थापना किसने की है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा इसरो के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इसरो के अध्यक्ष कौन है, के शिवम है। के शिवम इसरो के अध्यक्ष हैं और उन्होंने बेंगलुरु के पिन्या में स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर, तो ये SSAM की फुल फॉर्म होती है, और इसकी आधारशिला रखी है। इसरो ने अंतरिक्ष मलबे के निकट आने और टकराव से उच्च कीमत वाले जो अंतरिक्ष परिसंपत्तियां हैं उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से एक अंतरिक्ष स्थिति परक जागरूकता और प्रबंधन निदेशालय स्थापित किया है। तो इसरो के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। फिर देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, चीन की जो राष्ट्रीय अग्रिम भुगतान प्रणाली है उससे जुड़ने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है। तो देखिए SBI क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक की शंघाई शाखा अब चीन की राष्ट्रीय अग्रिम भुगतान प्रणाली से जुड़ चुकी है और यह बैंक के परिचालन के कार्य करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है। CIPS में पहले से ही दुनिया भर के कई देशों के प्रतिभागी हैं वो इसमें शामिल हैं। SBI क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, माइंडट्री के MD यानी कि प्रबंध निदेशक और CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है, यह आपको बताना है। तो देखिए देवाशीष चटर्जी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा भारतीय IT कंपनी है माइंडट्री लिमिटेड और उसके अपने नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में देवाशीष चटर्जी है उनको नियुक्त किया गया है। SN सुब्रमण्यम जो कि L&T के CEO हैं यानी कि लॉर्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड के CEO हैं, उनको गैर कार्यकारी अध्यक्ष के पद के ऊपर नियुक्त किया गया है और अध्यक्ष के पद के ऊपर देवाशीष चटर्जी को नियुक्त किया गया है। माइंडट्री लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनी है जिसके मुख्यालय की बात करें तो भारत के बंगलोर और अमेरिका के न्यू जर्सी में इसका मुख्यालय स्थित है। तो उसके अध्यक्ष के रूप में देवाशीष चटर्जी को नियुक्त किया गया है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखिए यहाँ पर ये T20 लिखा गया था, T20 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने। थोड़ी सी मिस प्रिंट हो गई है,
T20 यहाँ पर लिखा गया था। T20 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? देखिए रोहित शर्मा क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। भारत के सलामी बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा, 32 वर्ष के हैं और T20 फॉर्मेट के अंतर्गत सर्वाधिक छक्के लगाने वाले ये बल्लेबाज बने हैं। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने 2 छक्के मारकर वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल हैं उसको शीर्ष स्थान की जगह अब किसने ले ली है? रोहित शर्मा ने ले ली है। अब दाएं हाथ के बल्लेबाज रोहित शर्मा के इस फॉर्मेट के अंतर्गत 106 छक्के हैं जबकि क्रिस गेल के इसमें 105 छक्के हैं। न्यूजीलैंड के जो सलामी बल्लेबाज हैं मार्टिन गपटिल, वो 103 छक्कों के साथ में इस फॉर्मेट में तीसरे स्थान के ऊपर हैं। वर्तमान में रोहित शर्मा के नाम के ऊपर T20 प्रारूप में सर्वाधिक शतक 4 शतक शामिल है और सर्वाधिक रन बनाने वाले जो बल्लेबाज हैं उसका भी रिकॉर्ड किसके पास में है? रोहित शर्मा के पास में है। और सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड है वो भी किसके पास में है? रोहित शर्मा के पास में है। तो रोहित शर्मा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से 7 अगस्त 2019 से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपन ने बात की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।